हम आए हैं सपरिवार आज माता रानी के दर्शन करने। ये माता रानी के टीले में दरारें आ गई थी पिछले वर्ष बाढ़ के पानी से, कोसी नदी के पानी से, तो उसका ट्रीटमेंट होना था। तो अब सरकारी काम में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमारी उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए फंड रिलीज किए हैं जिससे ये काम सुचारू हुआ है। 10 मई 2024 को ये मंदिर ट्रीटमेंट हेतु दर्शन के लिए बंद कर दिया गया था, उसके बाद से ये काम शुरू हुआ है और बहुत तेज गति से काम चला है। और जैसे कि देखा जा रहा है पूरे टीले को चारों तरफ से इसका ट्रीटमेंट कर दिया गया है और नीचे बेस भी बना दिया गया है। बेस का काम अभी थोड़ा बाकी है, वो अभी चलता रहेगा। आज 1 जुलाई से दर्शन के लिए ये मंदिर खुल गया है। हमने भी आज माता रानी के भव्य दर्शन सपरिवार किए हैं। माता रानी ने हमें बुलाया, हमने यहाँ सपरिवार आकर दर्शन किए हैं, बहुत अच्छा लगा। श्रद्धालु आज भी काफी आए हैं, लेकिन अभी सब लोगों को उतना पता नहीं है। अब जब और सब चारों तरफ ये संदेश चला जाएगा समाचार की माता रानी का दरबार दर्शन के लिए खुल गया है, तब सभी श्रद्धालु मैं समझता हूँ यहाँ जल्द से जल्द पहुंचकर दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे। मैं अमेरिका में रहता हूँ और यहाँ मेरा ससुराल है रामनगर में। मैं वहाँ पे अपने इन-लॉज के साथ अभी आया हुआ हूँ। आज 1 जुलाई को मंदिर खुला है और हमारा ये मन था कि यहाँ पे आकर माता देवी के, माता रानी के दर्शन करें सबके साथ सपरिवार। और हमारे भतीजी की आज मुंडन सेरेमनी भी थी, तो हमने सोचा कि इससे अच्छा क्या उपलक्ष होगा कि यहाँ आए और माता रानी के दरबार में आके अपना मत्था टेके। मैं यहाँ 2 साल पहले प्रसाद चढ़ाने आया था, तो मैं यहाँ के प्रसाद बोल गया था दोबारा, तो मैं अचानक ही कल आया यहाँ पर, आया तो मंदिर के गेट बंद थे। मैंने वहाँ पूछा, उन्होंने बोला कि सर आज साफ सफाई हो जाएगी, मंदिर में 2 महीने पहले दरार आ गई थी तो उसकी वजह से 2 महीने से बंद था मंदिर, तो मंदिर आज साफ सफाई होगी तो कल खुलेगा। तो मैंने फिर यहीं पे कमरे ले लिया बराबर में, तो मैंने इंतजार किया, फिर मैं सुबह आया, मैंने प्रसाद चढ़ाया। फिर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, 1.5 महीने तक मंदिर बंद रहा तो यहाँ बिल्कुल सुनसान रहा, हम लोगों का कारोबार भी प्रभावित हुआ और आज यहाँ चहल पहल हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। जय माता दी। हाँ देखिए, बीच में फिर आपदा की वजह से काफ़ी मंदिरों को नुकसान हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पे जो हमें सहायता राशि दी गई थी उसकी मद में यहाँ पे अभी काम हुआ है और लगभग हमारा भी जो हमारा प्रोजेक्ट आया था 5.5 करोड़ का, तो अभी थोड़ा सा काम हुआ है उसमें, 10% काम यहाँ पे अभी हुआ है और 90% काम ये अक्टूबर से यहाँ पे होगा, जो कि लगातार 1 वर्ष तक चलेगा। और उस लिहाज से आज 1.5 महीने बाद ये बरसात सीजन में यहाँ काम बंद हो जाता है, तो 1 जुलाई से हमने माँ भगवती के दरबार श्रद्धालु के लिए यहाँ पे खोल दिए हैं। और कई महीनों से लोग श्रद्धालु यहाँ पे इंतजार कर रहे थे माँ के दर्शनों हेतु, दूर दराज से फ़ोन आ रहे थे, देश विदेश से फ़ोन आ रहे थे, सबको ये बताया गया कि 1 जुलाई से माँ भगवती के दरबार भक्तों के लिए खुलेंगे। और उस लिहाज से आज यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर माँ भगवती के दर्शन करने आए हैं और काफ़ी प्रसन्नता का विषय भी है। और यहाँ के स्थानीय दुकानदार और कई 250-300 दुकानदार हैं और कई हैं और वाले हैं, ये सब बेरोजगार कई महीनों से बैठे थे जब इंतजार कर रहे थे, सभी लोग लगभग क्षेत्रवासी में काफ़ी खुशी की लहर है आज से माँ का दरबार श्रद्धालुओं के लिए रोज़ के लिए खुल गया है।